बागपत जिले के दोघट इलाके में बारिश के चलते एक दर्दनाक हादसा हुआ है। बारिश की वजह से एक मकान की छत गिर गई। इस मकान में सो रहे 3 बच्चे मलबे में दब गए। इस हादसे में एक बच्ची की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक बच्चा सहित 2 लोग गंभीर तौर से जख्मी हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जांच में जुट गए हैं। दरअसल ये हादसा दोघट इलाके के बेगमाबाद गड़ी गांव में मंगलवार सुबह 6 बजे हुआ था। गांव में रहने वाले मुकेश सैनी का परिवार कमरे में सोया हुआ था। पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से उनके मकान की कच्ची छत डैमेज हो गई, जिसके चलते छत में लगी सिल्ली टूट गई और छत में लगा गार्डर भी खिसक जाने से पूरी छत नीचे गिर गई। छत के गिरने से कमरे में सो रही मुकेश की पत्नी निशा, बेटी गुड्डी, कपिल और प्राची मलबे में दब गए। चीख पुकार सुनकर लोग मौके पर दौड़े और उन्होंने परिवार के लोगों को मलबे से बाहर निकाला। इस दौरान 8 साल की मासूम प्राची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गुड्डी और कपिल की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। मकान गिर गया जी। कैसे गिरा? 6:15 गिरा जी। हम जो है बाहर जा रहे थे जी, लैटरिंग करने, पेशाब करने, वो जो है नीचे दब गए जी। कितने बच्चे दब गए? 3 दबे जी, 2 बच्चे, 1 घर वाली जी। वहीं ग्रामीण ओमपाल सिंह ने भी कहा कि बारिश की वजह से मकान की छत गिर गई। सिंह ने कहा कि इस हादसे में 3 लोग जख्मी हुए हैं। मकान बेगमाबाद गड़ी, हमारे गांव में आज बारिश होने के कारण एक परिवार में मकान की छत गिरने से बच्चे की मौत हो गई और 2-3 घायल हो गए। और गांव में अधिकारी लोग, SDM साहब आए हुए हैं इनकी सहायता के लिए। बच्चे का क्या नाम था? बच्ची का नाम प्राची। कितने लोग घायल? बच्ची का नाम प्राची था और 8-9 साल की थी लगभग। कितने लोग घायल? 2-3 लोग घायल हैं। वहीं मौके पर पहुंचे बड़ौद के SDM दुर्गेश कुमार मिश्रा ने गिरे हुए मकान का जायजा लिया। SDM ने कहा कि पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और परिवार के रहने के लिए भी इंतजाम किया जाएगा। जी जी, ये गांव बेगमाबाद गड़ी पड़ता है, तहसील बड़ौद में। इसमें मुकेश सैनी जी हैं, उनके मकान का अगला हिस्सा जो बरामदे टाइप का होता है, वह रात्रि में जो बारिश हो रही थी और चूँकि घर की दीवारें मिट्टी की चिनाई की हुई थी, तो वो पानी रिसर्स कराने के कारण अगला हिस्सा गिर गया है, जिसके कारण उनकी बेटी जो 8 साल की थी प्राची, उसकी दबोच में छत के मलबे में दब जाने से उसकी जो है मृत्यु हो गई। अच्छा, क्या आर्थिक सहायता इन्हें दी जाएगी? इनको 4 लाख रुपए की दैवीय आपदा राहत कोष से सहायता दी जाएगी। फिलहाल की राशन की व्यवस्था इनके लिए कर दी गई है। थोड़ी सी एक और बड़ी बहन को चोट आई है, माता जी को थोड़ी चोट आई है, उसके लिए चिकित्सा अधीक्षक बिनौली ने अभी उनको फर्स्ट एड दे दिया है और एहतियातन हम लोग अभी उनको जिला अस्पताल भी रेफर कर रहे हैं कि एक्सरे करा करके आगे की कार्रवाई। पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द रहने के लिए मकान मुहैया कराना चाहिए, साथ ही 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी फौरन दी जानी चाहिए, ताकि एक बार फिर पीड़ित परिवार की जिंदगी पटरी पर लौट सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट।